जी मैडम अंकल वो एक लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफिनाइल डीफिनाइल डीमिथाइल हाइड्रोक्सिन पेप्रिडाइन बटामाइड मोनोहाइड्रोक्लोराइड देना है लूज मोशन का दवाई अरे मैडम को टट्टी लगी है लोप्रामाइड दे दो कितने हो गए भैया 23 रुपए ₹23 किस बात की 23 रुपए आपकी 6 रुपए की चाय 15 की सिगरेट और 2 रुपए की छुट्टी 6 रुपए की चाय एक मिनट एक एवरेज चाय के कप में एक चम्मच चीनी 20 ml दूध और 30 ml पानी होता है और चीनी होती है 60 रुपए किलो की अगर एक चम्मच चीनी में एवरेज 15 ग्राम चीनी आती है तो चीनी का हो गया करीब 9 पैसे और 20 ml के हिसाब से दूध हो गया 80 पैसे का और पानी तो आप नाले से उठाते होंगे और चाय का कप हुआ 50 पैसे का और आपकी मेहनत के 1 रुपये लगा लीजिए तब भी चाय का मैक्सिमम हुआ 2 रुपये 50 पैसे और आप 6 रुपये लगा रहे हो गणित नहीं आती क्या बीविंग के 302 में रहता है ना तू हाँ बेटा अगर तेरे पापा को बता दिया ना कि तू यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट के फूंक के मारता है तो सारी गणित गण में से निकल जाएगी आधे 50 रुपये भाई 23 रुपये सामान के और 27 रुपये तूने बक्से दी की ना खड़े हो गए उसके निकाल भैया आप तो बुरा ही मांगे चल निकल टीवी इस दीवार पर ठीक रहेगा पापा आपने 8th में पढ़ाई की है ना तो ये काम ना फिजिक्स वाले पे छोड़ दीजिए टीवी की लंबाई 45 इंचेस और दीवार की लंबाई लगभग 5 मीटर अगर इस दीवार पे ये टीवी लगाए तो राइट साइड में 5 इंच छूट जाएगा और दूसरी बात मम्मी अगर किचन से टीवी देखेगी तो उनका व्यूइंग एंगल बनेगा 45 डिग्री और लाइट सीधी सीधी 30 डिग्री पर पड़ेगी मम्मी को लाइट क्लियर दिख सकते हैं अरे आप हटिए ना अगर इस दीवार पर लगाएं तो पर एसी की आवाज सीधे आपके मुंह पर आएगी आपको सर्दी हो सकती है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे ना हम टीवी लगा देंगे और गर्मी के टाइम पे खिड़की खोल के हम ताजी हवा खा सकते हैं पर हवा के साथ तो मच्छर भी आएंगे नहीं नहीं ये ठीक है फैंटास्टिक मिल गया टीवी का लोकेशन पापा टीवी यहां लगेगा भैया ये गाड़ी क्यों रोक दी भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आगे अच्छा हाँ वो तो है अच्छा वैसे आपको एक बात पता है इस दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहां लगा था नहीं भैया मुझे नहीं पता यार नहीं पता बीजिंग चाइना अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहाँ लगा था मुझे नहीं पता यार भैया आप ही बता दीजिए यार यार आपको इतना सा भी नहीं पता ये तो बहुत छोटी सी बात है यार बीथल न्यूयॉर्क 1969 अरे यार भाई जब सब कुछ आपको पता है तो क्यों पूछे जा रहे हो बार बार मुझसे अरे आप तो बुरा मान गए अच्छा मोहनजोदड़ो सभ्यता की स्थापना कब हुई यार इस सभ्यता का करूँ क्या मैं आईफिल टावर किसने बनाया मुमताज शाहजहां की कौन से नंबर की बीवी थी चंद्रयान मंगल पर कब पहुंचा आपके सर पर कितने बाल है इस गाड़ी में कितने टायर है स्टेपनी गिनना तो भूल ही गए ना चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को क्या चटाई आप मेरी माँ के मामा के लड़के हुए तो आप मेरे क्या हुए और पाकिस्तान की माँ का चुप बिल्कुल चुप अगर आपकी बार कुछ भी बोला ना तो गाड़ी सीधा ठोकूंगा अरे भैया आप तो ठोकने ठोकाने की बात करने लगे बस एक लास्ट सवाल ये चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था तू बता चंद्रमा पे दूसरा कदम किसने रखा था अबे जिसने पहला कदम रखा दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना वो लंगड़ा था क्या बे अंकल आपने MBA नहीं किया है ना इसीलिए आपको बिजनेस करना नहीं आता अब सामान बेचने से पहले कस्टमर को खरीदना पड़ता है आपकी लैंग्वेज में बोले तो अपना बनाना पड़ता है अरे मेरी छोटी सी दुकान है उसमें कहां मैं MBA देखने जाऊंगा लो कर लो बात अंकल आपको तो बिजनेस और प्रमोशन में भी अंतर नहीं पता अरे भाई तू अपना पैसा दे और निकल ले यहां से ना कमाल करते हो अंकल आप बिजनेस सीखे बिना अगर बिजनेस करोगे ना तो ये छोटी सी दुकान भी बंद हो जाएगी अरे भाई तेरे पैसे भी नहीं चाहिए तू जा यहां से चल देख रहे हो आप ये तमीज है आपकी बात करने की कस्टमर से आप फीडबैक फॉर्म दीजिए मैं अभी रिव्यू देता हूँ अरे फीडबैक फॉर्म निकलता है यहाँ से कि मेरे बेटे को बुलाऊं
अच्छा तो आपका बेटा ये दुकान संभालता है, ठीक है बुलाओ। क्या बात है भाई?